सी आई थिंक यही एनकरेजमेंट चाहिए एक आर्टिस्ट को, यू नो, इधर इफ इट्स एन एक्टर और अ म्यूजिशियन, तो ये जब आपका काम बाहर आके लोगों को अच्छा लगता है, आई थिंक दैट्स व्हाट वी लिव फॉर एंड दैट्स व्हाट वी मेक एनी प्रोजेक्ट और एनी म्यूजिक, तो उसी के लिए ही बनाते हैं. आपको अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा, तो यही हमें हौसला देता है कि नेक्स्ट टाइम फिर हम वापस से सॉन्ग करेंगे और फिर पूछेंगे आपसे कैसा लगा आपको. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मुझे हमेशा से था इफ़ आई एम डेब्यूटिंग इन अ म्यूजिक एल्बम और एनी वेयर एल्स, यू नो, द सेटअप नीड्स टू बी अमेजिंग एंड आई एम अ म्यूजिक लवर. मुझे गाने सुनने बहुत ज़्यादा पसंद है. अच्छा, गाती भी हैं? नहीं, मैंने कभी इनके सामने भी नहीं गाया, मुझे शर्म आती है. मतलब प्रोफेशनल्स के आगे मैं नहीं गाती, मैं आप लोगों के आगे गा सकती हूँ. देखा. सो एनी वे, बट मुझे, मैं म्यूज़िक लवर हूँ. मेरी गाड़ी में हमेशा अमेजिंग सा म्यूज़िक चलता है, मेरे घर पे भी हमेशा स्पीकर्स अपडेट होते रहते हैं टू हेयर द बेस्ट टू हेयर द बेस्ट वॉइस. सो आई वॉज वेरी श्योर वेन आई हर्ड दिस सॉन्ग कि ये गाना मुझे करना है. एंड ऑफकोर्स गजेंद्र के बहुत सारे गाने मेरे फेवरेट हैं, जो इनको भी नहीं पता, इतनी बात नहीं हो पाई, बट हाँ. सो आई कीप लिसनिंग टू हिज सॉन्ग्स, दे आर ऑलवेज देयर इन माई प्ले लिस्ट. एंड अमन जो है वो बहुत टाइम से मेरे साथ एसोसिएट होना चाहते थे और कई गाने उन्होंने बताए भी मुझे, बट मुझे था कि करना है तो अच्छा गाना करना है. एंड लकीली आई हैड द कम्प्लीट पैकेज वेयर आई हैड mesmerizing voice of Gajendra and he was also featuring in the video and you know the stunner looks which have been created by our director, so I'm really happy. Well, he knows the secret and now it is for world to know. Well, last lockdown I started singing on my Instagram and many of my friends, they really liked it. So when people were looking for different activities, you know, to pursue, I persuaded that. एंड पीपल काइंड ऑफ लाइक इट. मैं बस फन में करती थी, कोई भी माइनस ट्रैक उठा के गाना गाती थी एंड लॉट ऑफ पीपल इंकरेज्ड मी. सो आई हैपन टू रिकॉर्ड अ कवर एंड इफ दैट कवर इज लाइक बाय पीपल देन मे बी गोइंग फॉरवर्ड आई विल डू समथिंग, बट अभी आई एम टू शाई टू जस्ट गो अहेड एंड रिकॉर्ड अ सॉन्ग. इट्स टू बिग ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सो वन स्टेप एट अ टाइम. प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि आपके जो गाने होते हैं. आई थिंक ये एकदम वैलिड क्वेश्चन है. प्रेशर ऑफकोर्स बढ़ता है, बट आई थिंक एट द सेम टाइम अगर मैं अपना वही ऑनेस्टली जो ईमानदारी से मैंने जो पहला गाना बनाया था उस ईमानदारी से अगर नहीं बनाऊंगा अब, और किसी प्रेशर की वजह से या व्यूज़ लाने की वजह से या यू नो हिट कराने की वजह से अगर गाना मैं बनाऊंगा तो फिर वो नाइंसाफ़ी हो जाएगी मेरे काम के लिए भी और जो लोग वेट करते हैं मेरा गाना सुनने के लिए उनके लिए भी अच्छा नहीं रहेगा. तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है, बट वो एक लड़ाई है जो मुझे अपने आप से ही लड़नी पड़ती है जब मैं गाना बना रहा होता हूँ. तो वो प्रेशर हटा के गाना बनाना जो मेरे मन का है, जो मैं चाहता हूँ लोग सुने और जो मैं चाहता हूँ शेयर करना लोगों के साथ, वही मैं बनाता हूँ. इसी सवाल को आगे लेके जाना चाहूँगा कि इन दिनों जो है रिक्रिएशन का दौर चल रहा है, आप बैक टू बैक ओरिजिनल्स बना रहे, तो उस चीज़ का चैलेंज आपके ऊपर है अगर? आई थिंक सी ए चैलेंज है फॉर श्योर. इट्स अ आई थिंक द करेक्ट वर्ड यू हैव यूज्ड इज द चैलेंज, क्योंकि चैलेंज फॉर श्योर है. क्योंकि क्या होता है, रिक्रिएशन गानों में एक रिकॉल वैल्यू होती है. आपने ऑलरेडी सुना हुआ है, आप दोबारा सुन रहे हैं तो वो चलेगा. बट द थिंग इज अगेन आई विल कम टू बैक टू द सेम थिंग कि मेरे लिए स्पेशली गाना हिट होना
उतना मायने नहीं रखता जितना लोगों को अच्छा लगना मायने रखता है। मैं उसके लिए जाता हूँ कि लोगों को अच्छा लगे, चाहे कम लोगों को अच्छा लगे चाहे ज़्यादा लोगों को अच्छा लगे, अगर पहुँचेगा गाना लोगों तक तो मेरी कोशिश ये रहती है कि उनको अच्छा लगे। आई डोंट रियली गो विद द नंबर ऑफ व्यूज एंड हिट्स, तो वो थोड़ा मेरे लिए काम आसान रहता है मेरे दिमाग में, यू नो, व्हेन आई एम मेकिंग सॉन्ग। आई थिंक इट वॉज प्रिपरेशन ज़्यादा करनी नहीं पड़ी, वी वर मैं काफ़ी थोड़ा हो जाता हूँ नर्वस, बट शी वॉज रियली गुड। ये नर्वस होते हैं। कितनी एल्बम्स कर ली? आई थिंक अबाउट 25 और 22 एल्बम्स ही हैज ऑलरेडी फीचर्ड एंड डन द वीडियो। या हाँ, एक्चुअली मतलब आई एम यूज्ड टू दिस, बट शी व्हेन यू हैव अ गुड को स्टार इन फ्रंट ऑफ कैमरा तो चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं, इट्स नाइस, मतलब हो जाता है। व्हेन वी आर स्टिकिंग टू, यू नो, हम जब स्टिक करते हैं कि इनको अपना काम करना है, मुझे अपना काम करना है, एंड व्हेन दैट इज हैपनिंग तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैं एक्चुअली यही कहना चाहूँगा कि यू नो, जिस तरह से अमन ने जो डायरेक्ट किया है, जो गज्जू का हमारा जिस तरह से उसने गाया है इसको, मैं तो यही कहूँगा ना, होना हमसे बहुत टाइम हो गया था, बट बहुत ही अच्छे गाने के साथ कम बैक किया है। एंड अमन जो है वो मेरे दोस्त हैं बहुत खास, उन्होंने जो डायरेक्ट किया है, आपने देखी है वीडियो, आपको मैं एक अलग से नज़र आती है डायरेक्शन, पता लगता है कि कितनी मुश्किलों में डायरेक्ट की गई है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द एंटायर प्रोजेक्ट, आई एम वेरी एंड कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम, बहुत ही बेहतरीन गाना शुरू। सर आप क्या कहना चाहेंगे मेरे गाने के लिए? अपने गाने गाना बहुत हिट है, सुपर हिट है, और सॉरी गाना बहुत हिट है। मैंने पहले कश्मीर में कभी शूट नहीं किया था, ये मेरा पहला टाइम था कि मैंने कश्मीर में शूट किया। कश्मीर के बारे में सुना बहुत था कि स्नो होता है, बर्फ़ होती है, बहुत कुछ सुना था मैंने। बट उससे पहले मैं ऑस्ट्रिया में शूट कर चुका था, वहाँ पे भी बहुत स्नो होती है, बहुत बर्फ होती है, तो इतना मुझे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ वहाँ पे, और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया शूटिंग के टाइम पे, फ्रेम्स भी बहुत प्यारे लगे। यस यस यस, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और मेरी टीम को अगर आप इस गाने की BTS में जाके देखेंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ, अमन खुद अपना कैमरा लेके खुद ही पहन के खुद ही कर रहे होते हैं। और गजेंद्र के साथ मैंने पहले भी काम किया है जी, मेरे बहुत सारे गाने गजेंद्र के साथ ऑलरेडी रिलीज है। एंड गजेंद्र का कमबैक बहुत अच्छा था, ये जो गैप आया बीच में बहुत ही प्यारा कमबैक। और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा मेरे भाई को करण को कि आप मेरे लिए आए यहाँ पे, आप ना हो ना हमसे दूर, तो मैं वही बोला था इनको, भाई ना हो ना हमसे दूर। करण के साथ मैंने गाना किया है, हमने शूट किया था दुबई में, जी से रिलीज हुआ था, तो बहुत प्यार करते हैं मेरे को और मेरे लिए आए, बहुत अच्छा लगा। आई विश कि ये प्यार ऐसे बरकरार रहेगा आने वाले दिनों में, क्या हम और ऐसे आपकी तरफ से ढेर सारे गाने देखेंगे? जी डेफिनेटली, एक तो अभी मैं शूट करके आया हूँ और बाकी मेरे साथ कर रहे हैं अमन के साथ, अभी अनाउंस कर मेरे साथ गाना कर, मेरा नेक्स्ट आई थिंक अमन जी के साथ बहुत बहुत बढ़िया लगा, जितना प्यारा गाना है उतना ही प्यारा वीडियो है, एंड आई थिंक गजेंद्र एंड मनारा देर लुकिंग फैबुलस, एंड बहुत बहुत प्यारा वीडियो, आई थिंक लोगों को बहुत अच्छा लग गया, एंड अगेन गजेंद्र हैज़ डन हिज मैजिक। यू नो गजेंद्र वर्मा के गानों में एक सिंप्लिसिटी होती है जिससे हम सब कनेक्ट करते हैं, आई थिंक दैट्स कम आउट अगेन, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, आई लव्ड इट। आने वाले दिनों में हम आपको भी इस तरह के देखने वाले, तो अगर आपको बता सके कि क्या कुछ कब तक धमाका होने वाला है? वी जस्ट अनाउंस्ड एक्चुअली राइट नाउ कि माय नेक्स्ट सॉन्ग, या माय नेक्स्ट सॉन्ग इज कमिंग विद समर प्रोडक्शंस, एंड प्रांजल दादा एंड यू नो अमन के साथ आ रहे हैं, एंड इट्स गोना बी अ ब्यूटीफुल वीडियो फॉर श्योर। एंड रीमेक का सवाल किसी ने किया था, आई थिंक आपने किया था, मेरा गाना इज़ रीमेक, इट्स अ रीमेक ऑफ अ वेरी बिग सॉन्ग, एंड लाइक यू नो आई थिंक द रिकॉल वैल्यू ऑफ रीमेक सॉन्ग्स आर यू नो आज के जनरेशन के लिए रफ़ी साहब किशोर दा, सिर्फ सिंगर्स जो यू नो जानते हैं, काफ़ी जानने वाले वो ही सुनते हैं, आज की जनरेशन लिसन टू गजेंद्र एंड यू नो द न्यूअर आर्टिस्ट, सो रीमेक्स आर अ गुड वे टू कनेक्ट आर करंट जनरेशन टू द रूट्स, एंड आई एम डूइंग दैट, आई एम डूइंग अ रीमेक विद प्रांजल दादा एंड सारेगामा से आएगा, सो आप लोगों को बहुत जल्दी देखने मिलेगा, अच्छा वीडियो, एंड मैं रहूँगा वीडियो में। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली बिकॉज अगर आपने
अगर आपने ओरिजिनल यू नो किसी ओरिजिनल सॉन्ग को रीमेक कर रहे हैं आप, पहली बात तो कंपैरिजंस होंगी ही होंगी. एंड मैंने अब तक जितने भी रीमेक किए, आई मेक श्योर दैट आई डू नॉट मेक इट साउंड लाइक द ओरिजिनल, जस्ट द मूड ऑफ द सॉन्ग, आई कैप्चर द मूड ऑफ द सॉन्ग. सो अब तक रीमेक्स मैंने जितने किए, यू नो दे ऑल वर्क्ड. एंड आगे भी या आई मीन कंपैरिजंस होंगी, बट अगेन द ओरिजिनल इज एन ओरिजिनल एंड अ रीमेक इज अ ट्रिब्यूट टू द ओरिजिनल, आई फील.